I would like to know from you what appealed you to be the part of this film, and ma'am also, like, kya ek cheez lagi aap and before. So isme sirf comedy nahi hai, character hai which appealed to me so much. That ek parivar ka mukhiya hai aur kaise problem ko solve karna hai. So that was something very different for me, which I've never done before. Isliye I'm very thankful to him. Thank you so much. Good afternoon, everyone. Assalamualaikum. एक बात जो अट्रैक्ट की वो ये कि आई नो राहत भाई पॉइंट ऑफ व्यू अलग 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 होता है, तो कई बार क्या होता है पॉइंट ऑफ व्यू मिलता नहीं है तो इंसान को वो बुरा लगने लगता है कि यार ये कैसा इंसान है, ठीक है. बट वो चीज़ देखी कि वो फैमिली के जब मुझे मैंने वो कहानी सुनी थी, मुझे समझ में आया कि सब लोग अच्छे हैं, बुरा कोई नहीं है. बट बात इतनी है कि सिर्फ थोड़ी सी मिसकंसेप्शंस होती हैं. बड़ी बहू है, उसको लगता है मैं तो घर के काम करती हूँ, ये तो पढ़ रही है, तो लोग भी भड़काते हैं. मोहल्लों में तो होता ही है कि तू तो नौकरानी बन गई, वो तो और माँ बाप बेचारे बड़े सीधे, उन्होंने कभी कुछ बुरा बोला नहीं, ऊंची आवाज़ में बात नहीं की. और कितनी सही शुरुआत मानते हैं असरानी सर आप? नहीं, हमने शुरू से ऋषिकेश मुखर्जी ऐसी फिल्म बनाते थे, गुलजार साहब, शक्ति सामंत, बीआर चोपड़ा, तो ऐसे ऐसे लोगों के साथ काम किया, तो मुझे लगा ये एक फ्रेश अप्रोच है बहुत दिनों के बाद. तो आई थॉट दिस कैन बी अप्रोच एंड कैन बी डन. तो जस्ट उन्होंने मुझे सुनाया तो मुझे लगा कि बहुत अच्छा लगा कि सिर्फ कॉमेडी नहीं है, एक कैरेक्टर है जो जिसमें शेड है, जैसे कि आपने बताया, तो इसलिए बहुत अच्छा लगा मुझे. इसलिए आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम. आप लोग भी कुछ बोलिए ना, बताइए आप में स्कूल है दोनों शख्सियत जी. एक्चुअली मेरा ये फर्स्ट टाइम था कि मैं इतने अच्छे सीनियर एक्टर्स के साथ काम कर रहा हूँ, शगुप्ता जी एंड असरानी जी, और इनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला सेट पे और बहुत मज़ा आया शूटिंग करते हुए. शगुप्ता जी, इफ़ यू टू से समथिंग अबाउट इट, एंड वो आपको भी बड़ी मुश्किल से, बड़ी चूजी है आप फिल्मों के मुतालिक या सीरियल के मुतालिक, क्या खास रहा जब आप कन्विंस हो गए कि यस मैं इस फिल्म का हिस्सा बनना चाहूँगी, और हु केम फर्स्ट ऑन बोर्ड, यू और असरानी साहब? आई थिंक असरानी केम फर्स्ट ऑन द बोर्ड. He was the one who was narrated the whole. Films तो मैंने की हैं, पिछले साल दो रिलीज हुई थी. बट हाँ, जब सीनियर लोग आते हैं तो थोड़ा सा टेंशन में आ जाते हैं. एक तो इतनी रिस्पेक्ट होती है, इनको देखा होता है इस तरह से. तो जब ये लोग आए थे तो मैं तो बहुत डर रहा था. हम लोग बिल्कुल पहले तैयार जाके रेडी रहते थे, हम लोग इनसे एक घंटा पहले वहाँ रेडी रहते थे कि वो जैसे ही आएंगे तो पहले चाय वगैरह सब कुछ वो रखो, और वो रखने के बाद हम लोग ये कहते सर आते ही हमेशा बोलते थे सीन बताओ, तो हम कहते थे मैं सीन बताने लगा तो वो कहते, मैंने कहा सर चाय तो ले लो, कहते हमारे लिए, मैंने कहा हाँ, कहते नहीं मुझे लगा सीन का है. तो हम लोग बड़ा डरते थे, बट इन्होंने इतना कंफर्टेबल कर लिया कि अगर थोड़ा सा टाइम भी वेस्ट हो रहा होता था ना तो दूसरा सीन लग रहा है तो शगुप्ता जी कहीं गए हैं, तो ये कहते कि मेरा वाला सीन कर लो ना तब तक. मैंने कहा सर थोड़ा टाइम लग जाएगा शिफ्टिंग, कहते अरे 5 मिनट लगेंगे ले आओ ना. तो ऐसे थे, मतलब इतनी एनर्जी, इतना सब कुछ, और बहुत कंफर्टेबल कर लिया. हम डरे हुए थे, आज भी डरे हुए साथ में खड़े होके, बट बहुत कंफर्टेबल किया और इतना अच्छे से इन्होंने किया कि जो मतलब डबल टाइम लगना था आधे टाइम में सब खत्म हो गया. तो चैलेंजेस तो मेरे को कुछ वहाँ पे लगा ही नहीं जब किया शुरू में था. अप्रोच करना मुश्किल होता है उस टाइम, डर लगता है उनसे बात करना, 10 चीज़ों का जवाब देना, बट फाइनली जब किया वहाँ पे बहुत अच्छा लगा, अच्छा एक्सपीरियंस था. कोई पे शायद से मैंने लड़ाई की कि इतने जल्दी क्यों खत्म की तुमने हमारे रोल्स, आपको बोला तुमने इतने दिन लगे, तुमने बोला आप लोगों ने काम इतना जल्दी कर दिया. वी ऑल वर लाइक फुल ऑफ एनर्जी ऑल ऑफ अस, लाइक इन अ डे आई थिंक वी यूज्ड टू डू आई डोंट नो मोर देन 20 सीन्स है ना, पूरी फिल्म में ये. हां वी फिनिश्ड आवर वर्क, पहले से ही ज़हन में था कि शगुप्ता मैम और असरानी सर रहेंगे वो किरदार में, क्योंकि जब हम वो किरदार को देखते हैं तो एकदम परफेक्ट जो है कास्टिंग लगती है वहां पर. हाँ एक्चुअली क्या है कि हमने सडन प्लान हुआ था, मैंने बताया ना हम प्लान कर रहे थे फिल्म का, कोई और कॉन्सेप्ट था. सडनली वो कहानी सुनी प्रोड्यूसर से, मैंने कहा यार ये बहुत अच्छा है ये करते हैं. तो यहाँ मीर सरवर जी आए हुए, बहुत फिल्में की उन्होंने भी, केसरी में मेन विलन में थे. उस टाइम इनसे भी मेरी बात हुई थी, कोई थ्रिलर कॉन्सेप्ट था, तो उन्होंने मुझे बोला कि यार ये कॉन्सेप्ट जो है ये इस पर टाइम लो अभी मत करो. तो मैंने इनकी सुनी और इनके पास भी टाइम नहीं था, तो फिर हम जब मैंने वो सुना कॉन्सेप्ट, मैंने कहा यार वो करते हैं. तो वो तब वो माइंड में आ चुके थे उसी टाइम पे, और उसी टाइम मैंने अप्रोच कर लिया था. बहुत शॉर्ट नोटिस पे हुआ था, जल्दी हुआ था, तो उसी टाइम हाँ फर्स्ट चॉइस हो गए थे. असरानी साहब, मेरा आपसे दो सवाल करना चाहूँगा. पहला ये करना चाहूँगा कि आपके वक्त से लेकर अब तक अनगिनत फिल्में, ऋषिकेश जी से लेकर रमेश सिप्पी साहब तक,
प्रमोशन जब हम बात करते हैं और मीडिया इंटरेक्शन उस वक्त इतना नहीं हुआ करता, चुनिंदा अखबार हुआ करते थे, चुनिंदा चैनल भी बहुत कम हुआ करते थे। अब ये जो बदलाव है, जब हम एक फिल्म को बताना बहुत ज़रूरी है कि हम आ रहे हैं या हमारी रिलीज़ हो रही है, इस बदलाव के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, ये तो बहुत ज़रूरी हो गया आजकल। मोदी जी को भी बार बार 24 घंटे बोलना ही पड़ता है कि मैं मोदी हूँ, नहीं बोलेंगे तो कोई वोट देने वाला नहीं है। आजकल टाइम बहुत चेंज हो गया है। मैंने तो बेचारों को देखा, हमेशा विदेश यात्रा करते रहते हैं, प्रचार के लिए आते हैं फिर चले जाते हैं। तो बोलना बहुत ज़रूरी हो गया, मन की बात, धन की बात, इधर की बात, उधर की बात। तो प्रमोशन आई थिंक हैज बिकम वेरी वेरी नेसेसरी। और सोशल मीडिया ऐसा आ गया है कि 24 घंटे लोग, मुझे लगता है कई कई कलाकार तो सोते नहीं, उसी में लगे रहते हैं। तो ये इट्स अ वेरी वेरी इसेंशियल पार्ट। और ये बार बार बोलना ही पड़ता है दर्शकों को कि हमारी फिल्म देखो, ये करो, वो तो तरह तरह के तरीके निकालते हैं। आजकल एक चीज़ को बेचने के लिए आपको बहुत बहुत ध्यान से इसकी वो करना पड़ता है पब्लिसिटी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, इट्स अ वेरी इसेंशियल पार्ट एंड आई थिंक इट्स अ वेरी हेल्दी साइन। ओके, कितना थकाने वाला होता है। और मैं खास करके आपसे कहना चाहूँगा, अनगिनत फिल्में, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ नंबर्स टाइम, अभी तक धमाल से लेकर यहाँ तक एक ऐसी शख्सियत है जिनका नाम है असरानी, जो हमें मुस्तकिल नजर आते रहे हैं। क्या ऐसी चीज है, क्या ऐसा पावर है जो यू नो इट कीप्स यू गोइंग ऑन, और हर दूसरी फिल्म में कहीं ना कहीं असरानी साहब होंगे? नहीं नहीं, ये तो डिपेंड करता है डायरेक्टर्स पे। देखिए, आई वाज वेरी लकी, मैंने बड़े बड़े डायरेक्टरों के साथ काम किया जो बड़े जो मुझे खुद पता नहीं था कि ये ऐसा कर सकते हैं हम। तो कई लोग कई बार ऐसे सीन होते थे जो हमने कभी जिंदगी में किए नहीं, तो मुझे ये फ्रेश अप्रोच लगी शायद की। मुझे लगा ये उस तरह का वापस टाइम लेकर आ रहे हैं जिसमें सिर्फ एक आदमी को एक जो पुरानी फिल्म में होता था कॉमेडी का अलग ट्रैक है, इसका अलग ट्रैक, ये पूरी फिल्म से जुड़े हुए जुड़ा हुआ कैरेक्टर आपको हमेशा याद रहेगा। इसलिए मैं इनका बार बार शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। छोटे पर्दे से बड़े पर्दे पे आना जाना मेरा लगा रहता है। सबसे पहले तो ये बात क्लियर कर दूं कि मैं काफ़ी वो करती हूँ स्विच। इस किरदार में सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि बहुत अरसे बाद टेलीविज़न में बहुत ज़्यादा एक हैवी करना पड़ता है, चाहे नेगेटिव हो चाहे कुछ भी, कॉमेडी हो तो ओवर द टॉप जाएंगे। यहाँ पर ये था कि बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही जैसे घरेलू लोग, जैसे अपने घर में होती हैं चीज़ें कि मियाँ बीवी अगर बैठ के बात कर रहे हैं या ट्राइंग क्यों कि भाई बहू और बेटे का कुछ झगड़ा चल रहा है या दो बहुओं का झगड़ा चल रहा है, तो हाउ डू वी सॉल्व इट। सो इट वाज वेरी नेचुरल एंड वेरी नाइस। और जो कॉमेडी जितनी भी है और जितने भी आर्टिस्ट हैं, आज मैं बहुत मिस कर रही हूँ उन सबको, कि आई विश रानी जी और बाकी सब मुश्ताक और वगैरह सब होते साथ में, तो इट वुड हैव बीन अ वंडरफुल थिंग। बट एनीवेज, वो लोग नहीं होते हुए भी बहुत बड़ा हिस्सा है इस फिल्म के, और बहुत प्यारा काम किया सबने, और बहुत अच्छी लिखी हुई है, बहुत हल्की फुल्की फिल्म है ये। तो इफ़ इट इज़ नॉट रिटन वेल एंड इफ़ इट इज़ नॉट डायरेक्टेड वेल, तो वो सारा ख़त्म हो जाता, आर्टिस्ट कुछ नहीं कर पाता। सो आई डेफिनेटली गिव द, मैं श्रेय देती हूँ शाहिद और राइटिंग जिसने, शाहिद ने और बाकी लोगों ने जो की, कि बहुत अच्छी और सरल, बहुत प्यारी मीठी सी फिल्म है ये। नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मैंने पहले बताया। सबसे बड़ी बात ये थी कि हमने वहाँ के लोकल आर्टिस्ट के साथ काम किया एंड हमको लगा था कि न्यू कमर्स हैं, मगर जैसे काम करना शुरू किया तो हमको लगा है तो काफ़ी मजे वो कलाकार, दे आर फ्रॉम टेलीविजन, वहाँ पे टीवी में काम करते थे, स्टेज पे काम करते हैं, और दे वर रेडी। ऐसा नहीं था कि बिल्कुल न्यू, इसलिए क्या हुआ कि जब 20 दिन के ये फिल्म 12-13 दिन में कम्प्लीट हो गई, बिकॉज देर ऑल प्रिपेयर एंड, और हमको भी उनको देख देख के जल्दी जल्दी प्रिपेयर करना पड़ा। हमको लगा भाई पहला सीन हो गया, दूसरा सीन लाइए हमको, तो हमको लगा ये सब रेडी आर्टिस्ट थे। और आई थिंक इस फिल्म से काफ़ी लोगों को पहचान मिलेगी। हमको तो अच्छा लगा, चैलेंज था, पर उनके लिए भी अच्छा लगा कि हम इंटरेक्शन हुआ, फ्रेश लोगों के साथ काम करने से बहुत मजा आया। आई एम रियली ग्रेटफुल। सर, आपने बहुत सारे बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम किया, शाहिद के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या खासियत है शाहिद की? नहीं, बिल्कुल जैसे कि इन्होंने शगुफ्ता जी ने बताया, फिर से ऐसा था कि इन्होंने हमको बांध के नहीं रखा। जब सीन दिया तो बोले देखिए सीन ऐसा है, आपको अगर कुछ जोड़ना है, कुछ करना है, तो इस आदमी की अप्रोच फ्रेश थी। जो कई लोग बड़े वो पक्के होते हैं कि नहीं, हम तो आपको ऐसे ही हिलना है, वैसे ही करना है, चार कदम चल के निकलना है, फिर पीछे आना, ऐसा कुछ नहीं था। इन्होंने बोला कैमरा ये रहा, ये सीन आपके सामने,
मेरा कंसेप्शन ही है। तो हर सीन में इनकी अप्रोच बड़ी फ्रेश लगी, विच इज एडमिरेबल, जो मुझे लगा कि ये अपने रूढ़ीवादी डायरेक्टर नहीं, फ्रेश डायरेक्टर है बिल्कुल। जो ट्रेडिशनल डायरेक्टर होते हैं ना, अड़ जाते हैं, अड़ते नहीं थे उसमें क्या, इसलिए आपको लगेगा हर एक का परफॉर्मेंस बड़ा नेचुरल है, जैसे स्पॉन्टेनियस। मैम आपसे जानना चाहूँगा, दोनों मीडियम में आपने काम किया, जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया, कौन सा मीडियम सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग है, थोड़ा सा बताइए। देयर टू वेरी डिफरेंट मीडियम्स, वेरी डिफरेंट। यू गेट मॉडलिंग, इट्स टोटली डिफरेंट। आप सीरियल्स कीजिए, बिल्कुल अलग माहौल है, जो मेरे ख्याल में बिगड़ता जा रहा है थोड़ा। जो ऑनेस्ट कन्फेशन है मेरा, कि मैं चाहती हूँ कि ऐसा ना हो बिहेवियर, या जो भी चल रहा है आजकल ट्रेंड टेलीविजन का, वो थोड़ा चेंज हो, क्योंकि पुरानी स्कूल के हैं हम लोग, तो थोड़े वैसा चाहते हैं कि वैसे सब चीज़ें हों। तो मेरे लिए मतलब तीनों अलग चीज़ें हैं। अगर मैं मॉडलिंग कर रही हूँ तो वहाँ पर बिल्कुल अलग हिसाब से काम होता है, फिल्म्स का टोटली डिफरेंट है, सीरियल्स का तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। सो देर ऑल थ्री फोर डिफरेंट मीडियम्स एंड वन हैज़ टू, हम लोगों को बस हर जगह जाकर वो मिक्स होना पड़ता है, भजियों की तरह ना, कि जब तक के आलू और सब प्याज और बेसन सब मिलेगा नहीं तो भजी अच्छे बनेंगे नहीं, वैसा वाला हिसाब है। सो वी हैव टू मोल्ड ourselves दैट वे, कि हम सीरियल कर रहे हैं तो उस तरह का माइंड बनाना पड़ता है कि हाँ रोज़ भाई ऐसे करना है, 9 to 9 ये करना है। फिल्म्स का थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। तो आई स्टिल कैन नॉट, इन ऑल दीज ईयर्स आई हैव नॉट येट यू नो कम्बाइंड और ट्राई टू गेट टूगेदर फिल्म एंड सीरियल, दे आर टोटली डिफरेंट टू मीडियम्स। They should, because I was in Sinta, one of the executive committee members, and all the 4 years that I was there in the committee, we used to keep fighting for all these rights, you know, ke ek to hygiene nahi hoti set pe, makeup rooms are very bad, things are taken for granted, ke matlab aap 9 की शिफ्ट में आपको 8:30 बजे पहुंचना पड़ेगा। नहीं भाई, 9 की शिफ्ट में तो हमारी आदत है 9 बजे पहुंचने की, तो उनके लिए वो आधा घंटा पहले निकलिए। फिर देन द वर्किंग आवर्स आर टू मच ऑफ अ स्ट्रेसफुल जॉब, विच इज़ नॉट इन फिल्म्स। फिल्म्स इज़ लाइक 9 to 6 कर लिया, 2 to 10 कर लिया, सो समवेयर वी गेट दैट ब्रीदिंग स्पेस। सीरियल में आपको ना ब्रीदिंग स्पेस नहीं मिलता जब तक कि आप लीड रोल ना कर रहे हो। लीड रोल कुछ भी कर सकते हैं, जो लीड में है वो 2 घंटे का लंच ब्रेक भी ले सकते हैं, लीड रोल जो है वो फ़ोन पे लगे रह सकते हैं 1/2-1.5 घंटा। तो ये सब जो चीज़ें हो रही हैं, ये जब हमने टेलीविज़न शुरू किया जी के साथ, तब से लेके अब तक में बहुत ऐसा है, बिहेवियर पैटर्न जो है बिल्कुल लो होता चला जा रहा है, बिकॉज दे डोंट लिसन टू द डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स वो हो गए हैं जो असिस्टेंट हुआ करते थे पहले, तो उनको एकदम से डायरेक्शन मिल गई है, तो उनको लगता है कि हम लीड रोल को, जो लीड पेयर जो है ना, उनको खुश रखें, वो खुश रहें बस। तो वो चीज़ जो है वो टेलीविज़न की इज़ नॉट राइट एट ऑल, वो अप्रोच जो आई हैव फेस्ड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स वेयर सीनियर एक्टर्स लाइक मी और सम पीपल विथ मी आर देयर, और बाकायदा यहाँ इतने डिस्टेंस पे अगर आप बात कर रहे हैं तो आई वुड नॉट बी एबल टू डू माई सीन, मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊँगी, मैं नहीं कर पाऊँगी। तो आई एम लाइक वेरी पोलाइटली आई सेड साइलेंस प्लीज, इतनी दूरी पे खड़े। फिर मैंने कहा 5 मिनट, फिर वो रिहर्सल की लाइन की, अब लाइनें मुझे याद है सब है, वो खामोशी नहीं हो रहे, 2 आर्टिस्ट जो हैं लड़कियाँ खड़ी हैं बातें करे जा रही, कर जिन दिस ऐसा, वॉट इज़ योर लिपस्टिक स्टेड, वॉट इज़ योर आई शेडो कौन सा लिया था तूने। Then I had to be Shagufta Ali. ठीक है, आई नो माई नेम इज़ इन दैट वे पीपल टेल मी दैट शी इज़ वेरी स्ट्रिक्ट और बड़ी खड़ूस है। वो है खड़ूस इसलिए हूँ कि मेरे हिसाब से हमारे पुराने तमीज़ तहजीब के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं आप। अगर आप वैसे करते होते तो मैं खड़ूस नहीं बनती, ना मैं आपको डांटूँ वहाँ खड़ी हुई। फाइनली मुझे उन दोनों लड़कियों को डांटना पड़ा कि प्लीज़ विल यू प्लीज़ शट अप, विल यू प्लीज़ गो टू योर मेकअप रूम्स एंड डू ऑल दिस जॉब, आई एम गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड इन माई वर्क। वेरस फिल्म में ऐसा नहीं करना पड़ता, मुझे कभी नहीं ऐसा महसूस हुआ फिल्म की शूटिंग में। अभी जैसे मैंने लास्ट ईयर इम्तियाज़ अली साहब की फिल्म की थी, साजिद अली उनके जो भाई, उन्होंने डायरेक्ट की थी लैला मजनू, तो
तो वहाँ पर बिल्कुल महसूस नहीं हुआ, बड़ा अच्छे से हमारा काम हो रहा है, सारे आर्टिस्टों को लाइनें याद है, नहीं याद है तो रीडिंग कर लीजिए, कोई ऐसा नहीं कि कोई एक दूसरे को डिस्टर्ब कर रहा है। इन टेलीविजन इट इज़ एक पॉइंट, जैसे जैसे बहुत तारीफ की बात समझ रहे हैं ये लोग कि ये बहुत अच्छी बात है डिस्टर्ब करना आर्टिस्ट को, या पीछे खड़े होके ऐसे देख रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। तो मैं वही पूछ लेती थी शॉर्टकट करके, इन बिटवीन आई वुड जस्ट शो माय हैंड एंड सेड, क्यों ऐसे बट आप लोग कोई, वी आर लुकिंग फनी, अभी एक्टिंग फनी, बड़ा सीरियस सीन चल रहा है, आँखों में ग्लिसरिन घुसेड़ घुसेड़ के आँखें लाल हो गई हैं, आप वहाँ खड़ी होकर मुस्कुरा रही हैं, कुछ कुछ आप बोल रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें बड़ी छिछोरी सी हो गई हैं। तो वो मेरे ख्याल में जब तक के प्रोड्यूसर या डायरेक्टर कोई मिलकर ये लोग ना बोलें कि भाई इस तरह का एक माहौल होना चाहिए सेट पे, ना कि ये कि फ़ोन पे हर इंसान फ़ोन पर लगा हुआ है, मतलब एक के बाद एक 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 आदमी नहीं छुटता तो लाइट मैन वहाँ पर बात कर रहा है, वो लाइट मैन नहीं बात कर रहा है तो मेकअप मैन बात कर रहा है, विच इज़ सो वेरी इरिटेटिंग। हाउ डू वी कॉन्सेंट्रेट, how do we concentrate, tell me, did you feel any artist who feel did has done this kind of activity, artist main artist hi shuru karte hain tab to unko milti hai na share milti hai, artisto ka kya naam lenge bechare industry se bahar milenge aapko fir, I can name them but there is no point in taking their name, it is a message to all the artists, jitne naye log hain sabke liye hai ye message ki please you know थोड़ा तमीज़ और तहजीब से काम किया जाए, हम बहुत डिफरेंट एक प्रोफेशन है हमारा, ऑफिस का माहौल नहीं होता है हमारे यहाँ, हम जब शूटिंग कर रहे हैं तो इट्स टोटल डिफरेंट एटमॉस्फेयर है ऑल टुगेदर, तो थोड़ा तमीज़ और उसके साथ काम किया जाए तो इट वुड बी बेटर। बेशक दे डोंट वांट टू से गुड मॉर्निंग है ही नहीं, जैसे बिहार में ऑल ओवर एवरी वेयर इट इज़ द सेम थिंग कि गरीब बहुत मारा जा रहा है और हम जैसे लोग जो हैं वो सिर्फ अफसोस करके रह जाते हैं, चाहे वो टेलीविज़न के थ्रू हो, चाहे वो किसी और मीडिया के थ्रू हो, चाहे प्रेस हो, कि भाई हम इतना बोलते हैं बहुत अफसोस हुआ, इट्स वेरी सैड, लेट देम रेस्ट इन पीस, नो वी हैव टू डू बिगर, द पीपल हु आर पावरफुल दे आर सपोज टू डू समथिंग अबाउट इट, यू नो, बिकॉज सिर्फ बातें करके रह जाना, मैंने आपको यहाँ पर बोल दिया कि अरे मुझे बहुत अफसोस हुआ, दिली अफसोस ये होता है कि देखते वक्त ही हमारी आंखों में आंसू आ रहे हैं कि यार व्हाट इज़ हैपनिंग ऑल अराउंड इंडिया, ऑल ऑफ अस, बॉम्बे को देख के रोना आता है, हम बॉम्बे में पले बड़े हैं, पैदा यहीं हुए हैं, वी सी द रोड्स एंड वी सी द कंस्ट्रक्शन एंड एवरीथिंग, एवरीबडी इज सिक, व्हेन यू गो टू द डॉक्टर बच्चों को ग्लूकोज लगा हुआ, सो ऑल ओवर आई एम टॉकिंग अबाउट कि इट इज़ एवरीथिंग इज़ ट्रैजिक फॉर अस नाउडेज, कि हम ट्रैजेडी से ज़्यादा और नो हल्की फुल्की चीज़ों से कम हमारा वास्ता पड़ रहा है, दैट्स व्हाई द फिल्म लाइक शादी के पता से इज़ लाइक इट वाज अ रिलीफ फॉर मी एंड असरानी जी काइंड ऑफ पीपल, लाइक यू नो कि ओह गॉड बॉम्बे की वो भीड़ और भड़का और इतनी पोल्यूशन से हम दूर आके वहाँ गांव में आराम से शूट करें, वी यूज़ टू इन्जॉय द थिंग, वो चारपाई पे मतलब खाना खा के मैं ऐसे सोती थी जैसे घोड़े बेच दिए मैंने, विच आई कैन नेवर स्लीप हियर इन बॉम्बे, सो इट इज़ सैड ऑफ कोर्स बिहार के जो बच्चों की हालत हुई है एंड सो मैनी ऑफ देम, तो अल्लाह ताला से यही दुआ करूँगी कि मैं ये सब चीज़ें कम हो क्या ख़त्म हो जाएँ, ये सब चीज़ें सब खुश रहें, सब हेल्दी रहें, एवरीबडी डेफिनेटली वॉन्ट्स टू बी हैप्पी एंड हेल्दी, सो माई प्रेयर फॉर एवरीबडी, मैंने रमज़ान में भी यही प्रे किया कि रोज़े रख के अल्लाह ताला सबको खुश रखे और सबको सेहतमंद रखे, और जो हमारे पे आफतें आई हुई हैं ये बोलते हैं ना दूसरे लोगों की वजह से जो आफतें आई नहीं है वो कम मुझसे पूछ रहा सेंटर लोग ओके क्या कहना चाहेंगे अपने फिल्म के बारे में मैं इस फिल्म का राइटर भी हूँ और मैंने इसमें वन ऑफ द मेन लीड कैरेक्टर प्ले किया हूँ और जब मैं इस फिल्म को लिख रहा था तो लिखते लिखते मतलब जब मुझे पता चला कि रानी जी और मोहन शिव गुप्ता जी कर रहे हैं करेक्टर तो मैंने जिद कर ली डायरेक्टर से कि मुझे ये करेक्टर करना है और प्रोड्यूसर साहब का कॉन्सेप्ट था इन सबसे मिल के मैंने अपने करेक्टर को लेकर डिमांड किया और इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और अपना करेक्टर किया हाँ देखिए जी देखिए ये कॉन्सेप्ट था मेरे जहन में मैंने कॉन्सेप्ट शाहिद जी को सुनाया तो पहले प्लानिंग नहीं थी फिल्म मेरा प्रोड्यूस करने की
तो मैंने कॉन्सेप्ट शायद सर को सुनाया, तो हमने स्क्रीन प्ले इसका इन्होंने लिखा, अच्छा डायलॉग्स लिखे, तो फिर मुझे लगा नहीं करनी चाहिए फिल्म। तो ये कॉन्सेप्ट था एक जहन में, फिर मैंने इनको समझाया, तो फिर ये जो फिल्म बनी आ गया, इस फिल्म का हिस्सा बनी। फिल्म में जो खास बात है, एक वहाँ के कल्चर जो इम्पोर्टेंट कल्चर है, वहाँ के कश्मीरी कल्चर है, एक डोगरा कल्चर है, तो दो फैमिलीज की कहानी है उसमें, जो वहाँ का कल्चर है उन दोनों के बीच में जो नोकझोंक रहती है, वो एक फैमिली ड्रामा, वो सारी चीज़ें जब आप फिल्म देखेंगे तो पता चलेगा। तो एक कल्चर, एक ब्यूटी, एक सिंपलिसिटी है वहाँ की, तो ये सारी चीज़ें जो है जो अट्रैक्ट करती है एवरी इंडिविजुअल को। तो जब आप किसी एरिया का कोई कल्चर देखते हैं तो आपको नेचुरली अट्रैक्ट करता है, तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा है। असरानी जी एक लेजेंड है इंडस्ट्री में अगर देखा जाए तो। उनके साथ काम करने का जब उन्हें सुना ही था तो हम लोग बहुत एक्साइटेड थे, नर्वस भी थे। जब वो लोग सेट पे आए तो बहुत कुछ सीखने को मिला हमें उनसे। और शगुप्ता जी ने बहुत सारे सीरियल्स किए हुए, तो उन्होंने मेरे मदर फादर का रोल प्ले किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला। हाँ, शाहिद जी ने अप्रोच किया था जब मुझे बताया गया कि शगुफ्ता जी और असरानी जी है, तो बहुत खुशी हुई। मुझे तो फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ मैं, तो मुझे बहुत खुशी हुई एज अ प्रोड्यूसर भी, और छोटा सा एक्ट भी किया मैंने इसमें, तो एज एक्टर एज अ प्रोड्यूसर में बहुत खुशी हुई कि मैं जो है सीनियर एक्टर से काम कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम है और सीनियर एक्टर से खुशी हुई लगाने में असरानी जी के साथ लगा रहा हूँ। थैंक यू, थैंक यू। हाँ, फिल्म के बारे में एक्चुअली एक हमारे जम्मू कश्मीर के दो कल्चर हैं अलग अलग। अभी तक सबको ये पता है कि जम्मू कश्मीर से कोई भी आता तो हर कोई जानता है कि कश्मीरी है, बट जम्मू कश्मीर में दो कल्चर है। एक डोगरा कल्चर है जो बिल्कुल नॉर्थ पंजाबी स्टाइल का कल्चर है। तो ये दो कल्चर की जब फैमिलीज मिलती हैं उसके बारे में है, थोड़ी फ़नी चीज़ें होती हैं क्योंकि पंजाबी और कश्मीरी बिल्कुल अपोजिट हो जाते हैं एक दूसरे के, तो उसके बारे में एक स्वीट सी कहानी है जो एक्चुअल में रियल कहानी है हमारे एक गाँव की, जो मैंने सुनी थी, मुझे अपील की, तो मुझे लगा यार मुझे करना चाहिए। इसके लिए सो सॉरी। एक्चुअली क्या है कि वो एक तो कश्मीर में अभी कल से उनका शूट है फिल्म का, दोनों का, और दूसरा ये है कि वो बेसिकली जम्मू कश्मीर से हैं, तो वो यहाँ है, यहाँ से है नहीं है, तो बट फिर भी वो आ जाती, बट प्रॉब्लम मेन वो है कि उनका शूट है वहाँ पर फिल्म का, वो भी एक रीज़न है कि वो नहीं आ पाई, तो वो वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह करेंगे जिसका वो यहाँ पे भेज दिया जाएगा। आप बताइए अपने किरदार के बारे में। मेरा जो कैरेक्टर है इसमें वो एक 12th पास लड़के का कैरेक्टर है, विच इज़ अ वेरी बॉय नेक्स्ट डोर कैरेक्टर, और मेरे लिए बहुत अलग कैरेक्टर करने को मुझे मिला, पोर्ट्रे करने को मिला, क्योंकि मैंने जो नॉर्मली पहले कैरेक्टर्स किए हैं वो थोड़े आप कह सकते हैं फंकी और कोल्डू टाइप के कैरेक्टर्स हैं, बट ये जो कैरेक्टर था ये बिल्कुल ही एक गांव का कैरेक्टर, एक स्वीट सा इनोसेंट सा लड़का है जो कि 12th पास है और उसकी शादी हो जाती है, और इस तरह का कुछ कैरेक्टर जो कि काफ़ी चैलेंजिंग था मेरे लिए। क्या खास बात लगी आपको उसके फिल्म करने से? मुझे जब ये स्टोरी शायद ने नरेट की थी तो मुझे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा, और पहली बात तो ये कि मैंने इस तरह का कुछ भी जॉनर ट्राई नहीं किया है पहले, और ये मुझे बहुत ही अपील किया कैरेक्टर, और यही एक वजह थी कि मैं चाहता था कि इस तरह का कुछ एक्सपेरिमेंटल करना, ताकि मेरी प्रोफाइल में भी वो एक अच्छे से ऐड हो जाए, और आई रियली वांटेड टू डू दिस। मुझे लगता है फैमिलीज़ तो चाहे नॉर्थ की हों या गुजरात की हों या कहीं की भी हों, फैमिलीज़ तो रिलेट करेंगी 100%, क्योंकि फैमिली ये हर घर की कहानी है, हर घर में यही होता है, बुरा कोई भी नहीं होता है, बस छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, तो हर घर में ये होता है कि एक नई बहू आएगी, कई बार बड़ी बहू और छोटी बहू में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कुछ चीज़ों को लेके, तो उन चीज़ों को हमने ह्यूमर में रखा है, बहुत सीरियस नहीं किया, आगे जाके हल्का हल्का इमोशंस भी हैं, बट ओवरऑल उसको ह्यूमर में रखते हुए हमने वो मैसेजेस भी रखे हैं कि एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट है। जो इनकी बड़ी बहू है वो पढ़ी लिखी नहीं है, बट वो बहुत अच्छी इंसान है, बट वो मिसगाइड हो जाती है, वो पंगे करने लगती है, नाटक करती है कि यार मैं तो नौकरानी बन गई, वो तो पढ़ रही है और मैं काम कर रही हूँ घर का, तो बट फाइनली उसको भी समझ में आता है कि नहीं यार ये चीज़ ज़रूरी नहीं होती है, हर किसी का अपना अपना एक जगह होती है और अपने अपने टाइम पे वो अपनी चीज़ें करता है, तो हर घर की कहानी है ये। क्या मैसेज देगी? मैसेज मैसेज यही है कि एक्चुअली छोटे शहरों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, और ये हर जगह की प्रॉब्लम है, कि लड़की के लिए एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मानते, कि ठीक है एजुकेशन उनके लिए इतना होता है कि 10th हो गया, 11th 12th हो गया, देन कॉलेज भी जा रही है, अगर सडनली रिश्ता आ जाता है तो शादी हो गई तो ख़त्म,
वहीं वो थप्पा लग जाता है, लाइफ ख़त्म पूरी तरह से। फिर आप अपने पहले माँ बाप के लिए ज़िंदगी जीते हो, फिर उसके बाद आप अपने पति के लिए, उसके और ससुराल के लिए, उसके बाद बच्चों के लिए ज़िंदगी। तो लड़की की लाइफ कहीं रहती नहीं है। तो ये एक लौती एक ऐसी लड़की होती है जो चोरी से सुट्टा भी मार लेती है सिगरेट का, जो मन करता है उसको लड़का पसंद है तो बोल रही है कि यार ये लड़का कितना अच्छा, जबकि उसको पता है वो पीछे पीछे आ रहा है उसके, वो खुद ही उसको प्रपोज करना चाहता है। और एक ऐसी लड़की है जो बिंदास है, उसको पढ़ना है तो पढ़ना है, शादी के बाद पढ़ना है, तो उसके लिए ये डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है, घूम फिर के इंसान वहीं आता है। बट ये है कि पॉजिटिव लड़की है और एनर्जेटिक है, और वो एक मैसेज है, उसके कैरेक्टर जो है वो पूरा एक मैसेज है कि आप एक लड़की अपने लिए कितना स्टैंड ले सकती है, वो भी चीज़ उसके अंदर है, ह्यूमर में है बट है। ये ट्रेलर देख के बड़ा अच्छा लगा, जैसे कि राष्ट्र असरानी साहब ने कहा कि ऋषि दा की याद दिलाई उन्होंने, ऋषि मुखर्जी जोन की फिल्म है ये, और इस टाइप की फिल्में आप कंपेयर तो खैर उनके साथ नहीं करनी चाहिए, उन कंपेरेटिवली बहुत छोटी फिल्म है, लेकिन हर फिल्म मेकर ने कहीं छोटे पैमाने से शुरू किया है, तो डिस्करेज किए बिना ये बहुत ही अच्छा एफर्ट है। मुझे बड़ी खुशी है कि मैं जितने भी कलाकार इस फिल्म में मौजूद हैं मैं सबको जानता हूँ, पर्सनली जानता हूँ, सब ने बहुत अच्छा काम किया है। और शाहिद के साथ मैं इससे पहले एक फिल्म कर चुका हूँ जो पिछले साल रिलीज़ हुई थी, लतीफ़ लालन, उसमें मैंने लीड नेगेटिव कैरेक्टर किया था, और ये फिल्म बहुत प्यारी है। मैंने एडिटिंग पे ही ये फिल्म देखी थी और मुझे पसंद आई थी, और स्पेशली द परफॉर्मेंसेस जो लीड एक्टर एक्ट्रेसेस अर्जुन हैं, सनम हैं, तारिक है, नेहा है, और ऑफकोर्स असरानी जी, शगुफ्ता जी और उनके पेरेंट्स हुसैन भाई, रानी जी, सब ने बहुत ही अच्छा काम किया है। शगुफ्ता जी ने खुद ही सारे आर्टिस्ट की तारीफ़ की है, सबके सब मंझे हुए कलाकार हैं। जब भी बॉलीवुड से जे एंड के में कोई भी फिल्म मेकर जाते हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ पे आर्टिस्ट मिलेंगे नहीं शायद, यहाँ पे एक्टर्स होंगे नहीं शायद, तो वो मोस्ट बॉम्बे से ही आर्टिस्ट बुलाते हैं। लेकिन जब मैंने कई बार काफ़ी फिल्मों में ये भी नोटिस किया है, मैं खुद जे एंड के से ही हूँ, मेरी शुरुआत तो कर कुछ फिल्में की हैं अभी तक मैंने यहाँ पर, लेकिन जब भी वो फिल्म मेकर्स वहाँ के टैलेंट को देखते हैं तो दे आर प्लेजेंटली सरप्राइज, विच इज़ गुड फॉर द लोकल इंडस्ट्री, जो वहाँ की छोटी इंडस्ट्री है उसके लिए भी अच्छा है। और काफ़ी सारे लोग फिल्में बना रहे हैं, हमने भी एक दो फिल्में बनाई वहाँ पे जे एंड के फिल्म इंडस्ट्री के लिए, और शाहिद के बड़े भाई राहत भाई, मैं, मेरा दोस्त हुसैन भाई, हम सब कोशिश कर रहे हैं कि एक छोटी सी इंडस्ट्री डेवलप हो जाए वहाँ पे। दैट्स ऑल। अभी तक ऐसा जैसे कि सब्सिडी की बात है यूपी गवर्नमेंट का जो है, और शायद झारखंड में भी शुरू हुआ है, महाराष्ट्र में भी है, लेकिन अप्रोच तो कई बार किया गया। इनफैक्ट हमने भी अपने लेवल पे बात की कई बार गवर्नमेंट से कि कम अप विथ सम काइंड ऑफ सपोर्ट फॉर अस। हमने एक फिल्म बनी थी वहाँ पे जिसे जे एंड के गवर्नमेंट और जे एंड के बैंक ने भी सपोर्ट किया था, और फिल्म मेकर वॉज फ्रॉम बॉम्बे, और हमने उसी का रेफरेंस देके कहा कि लाइक वी आर द मेकर्स फ्रॉम जे एंड के, तो हमें भी सपोर्ट कीजिए। अनफॉर्चुनेटली वो सपोर्ट हमें नहीं मिला, थोड़ा सा बेनिफिट मिला, लेकिन इन नॉट, अगर हम देखें कंपेयर टू 2 करोड़ 4 करोड़ उसके मुकाबले में दे वर लाइक पीनट्स। सो यस, अगर वहाँ की गवर्नमेंट चाहे तो वहाँ की बेसिक लोकल इंडस्ट्री डेवलप करने के लिए काफ़ी काम कर सकती है, बट ये वे देयर इज अ विल देयर इज अ वे, तो हम उसका वेट किए बिना ही अपने एफर्ट्स लगा के, चाहे हम अपने पैसे लगा रहे हैं या मार्केट से पैसे उठा रहे हैं, हमने सीधा इंटरेस्ट पे भी पैसा लिया है पिछली फिल्म के लिए, और कई बार हमने एज एन आर्टिस्ट फ्री काम किया है, क्योंकि देयर वाज एन एग्जांपल फॉर द लास्ट फिल्म आल्सो कि एटलीस्ट दैट्स माय कंट्रीब्यूशन टू द इंडस्ट्री, तो दैट्स व्हाट। लेकिन गवर्नमेंट से अभी तक उतना सपोर्ट नहीं मिला। ये मैं गवर्नमेंट के बिना पे बात तो खैर नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया और क्यों नहीं बेनिफिट हुआ उसका मैं अंदाज़ा नहीं लगा सकता। हमें 8 महीने लगे अपनी फिल्म कश्मीर डेली जो हमने बनाई थी, उसको एक ऑडिटोरियम हमें चाहिए था, तो उसे हमें उस प्रोसेस में जो अपने डायरेक्टर हैं हुसैन साहब, उसे 8 महीने चक्कर लगाने पड़े दफ्तरों के, एक
इफ यू डोंट हैव अ पुश, अगर आपके पास कोई बैकिंग नहीं है इधर पॉलिटिकल और कोई इसको कहें कि रेफरेंस है और यू आर द मनी पर्सन, अगर आपके पास बड़ा अच्छा खासा बैंक बैलेंस है, बड़ा बिजनेस है, तो एवरीबॉडी विल वेलकम यू। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, हमें तो उम्मीद है कि अच्छा हो। अभी वहाँ पे गवर्नमेंट गवर्नर साहब हैं हमारे और उनसे भी अप्रोच कर रहे हैं कि जो वहाँ पे फिल्म फेस्टिवल्स हो रहे हैं उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है वहाँ पे, उम्मीद है कि अच्छा हो हमारे लिए। दैट्स द बेस्ट पार्ट। सर बेसिक को जिस तरह का रिस्पांस मिला उससे कितने खुश हैं आप और कुछ कहना चाहेंगे उस बारे में फैंस को? केसरी एक बहुत बड़ी फिल्म थी मेरे लिए बिकॉज वो धर्मा की और मैंने इसमें मेन लीड नेगेटिव प्ले किया है और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है स्पेशली फ्रॉम द पंजाब सेक्टर वर्ल्ड वाइड और ऑनलाइन काफ़ी सारे लोग सराह रहे हैं मेरे कैरेक्टर को क्योंकि विलन होते हुए भी मेरा कैरेक्टर पॉजिटिव था उस फिल्म में। सो दैट वाज द बेस्ट पार्ट अबाउट द फिल्म और प्लेइंग मेन लीड इन धर्मा प्रोडक्शंस फिल्म और अक्षय कुमार साहब के साथ दूसरी फिल्म थी मेरी, तो इट वाज अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी और उसके उस वजह से काफ़ी दरवाजे खुले, काफ़ी अप्रोच हो रहा है, बड़ी बड़ी फिल्में अभी बात चल रही है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, फिंगर्स क्रॉस। सर आपने अक्षय सर के साथ काम किया है तो अभी थोड़े दिन पहले रोहित शेट्टी के साथ वो एक फिल्म कर रहे सूर्यवंशी जी और इंशाल्लाह के बीच में क्लैश था तो उन्होंने फिल्म को पीछे ले लिया, मतलब पहले प्रीपोन किया तो रोहित शेट्टी को बहुत ज्यादा ट्रोल किया जा रहा था, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? ट्रोलर्स का काम है ट्रोलिंग करना, एक्टर्स का काम है एक्टिंग करना, हम अपना काम करते रहेंगे वो अपना काम करते रहें। दैट इज अ गुड विल जस्टर फ्रॉम सलमान खान का मुझे ट्वीट याद है कि लाइक ही सेड लाइक रोहित शेट्टी इज अ ब्रदर, उसने अपना फिल्म को क्लैश किए बिना ही अपनी फिल्म आगे लाई जो कि आई थिंक सलमान का बर्थडे है वो 27th of March विच इज अ गुड विल जस्टर बिकॉज ये छोटी सी इंडस्ट्री है, चाहे हम कितने भी डिफरेंसेस पाल के रखें कहीं ना कहीं ये गिने चुने लोग ही हैं जो आप काउंट करते रहें, प्रोडक्शन हाउसेस से लेके बड़े एक्टर्स से लेके छोटे एक्टर्स तक भी यू कैन थिंग काउंट बिकॉज आप जर्नलिस्ट हैं आप सबको जानते ही होंगे जितने भी सारे लोग हैं, यू नो हु आर द राइट पीपल हु आर नॉट द राइट पीपल। और ये अच्छा जेस्चर है अगर उन्होंने अपनी फिल्म आगे की है, तो ट्रोलर्स अपना काम करते रहें, एक्टर्स अपना काम करते रहें, फिल्म मेकर्स अपना काम करते रहें, कारवां चलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच।